अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बशीर। आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा चैनल जिसका नाम बशीर टेक टीवी चैनल। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा आप अपने मोबाइल प्रोफेशनल थंबनेल किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, जैसा कि बड़े चैनल करते हैं, जैसा कि मनोज हो गया और काफ़ी चैनल टेक्निकल तनवीर है। तो आइए जानते हैं किस तरह बनाते हैं फ्रेंड्स। तो इसके लिए आपको एक ऐप की ज़रूरत होती है, मैं अभी आपको ऐप को बता देता हूँ। यार इससे पहले यार लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना, आपकी मेहरबानी बहुत बहुत होगी। आप सब्सक्राइब कर दें, क्या होता है एक बटन से यार कुछ नहीं होगा। तो फ्रेंड यहाँ पर आपने एक ऐप को डाउनलोड कर लेना है, मैं भी आपको बता देता हूँ। ये फोटोन है, ये देख सकते हैं फोटोन। इसे आपने सिंपली ओपन करना है और सिंपली ओपन कर लेना है फ्रेंड्स। यहाँ पर इसको जैसे यूज़ करना है मैं इस तरीके से आपको बताऊँगा, आपने इस तरीका आपने बस अपने दिमाग में बिठा लेना कि किस तरह यूज़ आसान है, बहुत ही आसान है। तो सिंपली आपने गैलरी पर क्लिक कर देना, यहाँ से इमेज चॉइस करनी, जो मर्जी इमेज लेना चाहते हैं ठीक है फ्रेंड। यहाँ से एक इमेज आपने ले लेनी है, तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मैं मिसाल के तौर पर ये इमेज ले लेता हूँ ठीक है। तो यहाँ पर मैं कोई टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ, लिखने के लिए फ्रेंड यहाँ के यहाँ ये पेंसिल पर क्लिक करूँगा मैं, सिंपली इस पेंसिल पर क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं अपना नाम मिसाल के तौर पर फ्रेंड ठीक है। यहाँ पर फॉन्ट मिल जाते हैं आपको, काफ़ी फॉन्ट है, वो काफ़ी बेपनाह फॉन्ट है, आप जो मर्जी ये देख सकते हैं, बहुत सारे फॉन्ट है इसमें दिए हुए हैं। आपको जो अच्छा लगे आपने वो चॉइस करके लगा लेना फ़ोन ठीक है। तो मुझे जो लगता है मैं वही दे लेता हूँ। यहाँ से मैंने ये सिलेक्ट किया और सिंपली इसका दरमियान में करने के लिए आपने ये लेफ़्ट और ये देख सकते लिखा हुआ है यहाँ पर, ये देख सकते ठीक है। सिंपली यहाँ पर करता हूँ, अगर फ़ोन अच्छा नहीं लग रहा तो आप ये वाला फ़ोन कर लें, कोई और कर लें। मैं ये किया फ़ोन और सिंपली मैंने डन किया ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, ये टेक्स्ट चेंज करना चाहते हैं टेक्स्ट पर क्लिक कर लें, अगर फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं फ़ॉन्ट चेंज, अगर स्टाइल चेंज करना चाहते हैं स्टाइल पर क्लिक करें, यहाँ पर स्टाइल ये देख सकते हैं फ्रेंड ठीक है। अगर आप इसका बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना चाहते हैं, वो आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर बैकग्राउंड पर आ जाना है और यहाँ से कलर कलर चॉइस करना है, जो मर्जी कलर देना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर ये कलर देना चाहता हूँ, अगर मैं इसकी जो इसका साइज़ बढ़ाना चाहता हूँ ये देख सकते हैं साइज़ बढ़ रहा है, अगर इसकी मैं हाइट बढ़ाना चाहता हूँ हाइट बढ़ रही है ये देख सकते हैं, अगर इसका जो इसे साइड बार से जो इसके कोने होते हैं इन्हें खत्म करने के लिए मैं इसका यूज़ करूँगा ये देख सकते हैं ठीक है फ्रेंड। तो ये बहुत ही प्रोफेशनल ऐप है, आप इसका यूज़ करें इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छा ही इसका बेनिफिट मिलेगा ठीक है। तो यहाँ से ये देख सकते हैं, अगर आप इसमें शेडो देना चाहते हैं तो यहाँ से शेडो दे सकते हैं, आपके सामने दे रहा हूँ मैं अभी ठीक है फ्रेंड। स्ट्रोक यहाँ से देख सकते हैं आप इसमें, अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, आप यहाँ से इसका रंग चॉइस कर लें, जो मर्जी रंग देना चाहें आप। तो अब इसके बाद हम आ जाते हैं कलर पर फ्रेंड, यहाँ पर कलर भी चेंज कर सकते हैं, जो इसका अंदर वाला कलर मेन कलर होता है, जो मर्जी कलर आप देना चाहें ठीक है। मैंने ये कलर दिया और सिंपली मैंने सेव पर क्लिक कर दिया, तो आपके सामने इसे मैं मूव कर सकता हूँ, जहाँ मर्जी रखना चाहता हूँ रख सकता, इसका यहाँ पर साइज़ भी कम कर सकता हूँ, अगर साइज़ बड़ा तो यहाँ पर साइज़ पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर ये देख सकते हैं मैं सिंपली इसका साइज़ छोटा कर दूँगा ठीक है फ्रेंड। तो इस तरह मैं आप यहाँ पर रखता हूँ, और दोबारा फिर अगर कोई इमेज या फोटो लेना चाहता हूँ मैं फोटो यहाँ पर क्लिक करता हूँ, टेक्स्ट पर यहाँ पर लिखता हूँ सब्सक्राइब, ये लिखा मैंने सब्सक्राइब और सिंपली डन कर दिया। डन करने के बाद मैं सिंपली यहाँ पर इसे रख देता हूँ और इसका जो होता है ना स्टाइल वगैरह और बैकग्राउंड मैं इसका चेंज कर देता हूँ। यहाँ से मैं इसका बैकग्राउंड ब्लैक की यहाँ से मैं रखता हूँ, कोई और चॉइस करता हूँ कलर, ये वाला चॉइस किया, इसकी हाइट वगैरह इसकी बढ़ा देता हूँ मैं यहाँ से, और इसका मैं ये जो फाउंड है यहाँ से कंट्रास्टिंग यहाँ पर ओके करता हूँ और सिंपली मैं स्टोर पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ से मुकम्मल इसकी सेटिंग कर लेते हैं हम, इसका जो साइज़ है बहुत ज़्यादा आगे पीछे हो रहा है, फ्रेंड यहाँ से सिंपली सेव करता हूँ मैं, सेव पर क्लिक करता हूँ, ये देख सकते हैं आपके सामने आ रहा है। मुख्तलिफ स्टाइल से आप इसे कर सकते हैं, सेव पर क्लिक किया और इसको मैं अब मूव करना चाहता हूँ, मैं इसे मूव कर जहाँ पर मर्जी रखना चाहता हूँ रख सकता हूँ ठीक है। तो इस तरह आप बहुत ही ज़बरदस्त करके अपना थंबनेल बना सकते हैं, आपके सामने मैं एडिट कर रहा हूँ। तो और भी आप इसी तरह जितना मर्जी टैक्स वगैरह लिखना चाहते हैं इस तरह ये प्रोफेशनल थंबनेल बनाए जाते हैं। तो यार वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।